आज पूरे भारतवर्ष में अग्निपथ के खिलाफ सत्याग्रह किया जा रहा है और आज चंद्रन गुट्टा कांग्रेसियों की तरफ से राहुल जी के आदेश अनुसार अग्निपथ की ये जो नई स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च हुई है उसके खिलाफ धरना किया जा रहा है। ये अग्निपथ की स्कीम ऐसी है जैसे नरेंद्र मोदी ने फौजियों की राह में आग बिखेर दी हो, क्योंकि अग्निपथ में नहीं है सुरक्षा, नहीं है पेंशन, युवाओं के लिए ये है टेंशन। चार साल की इस नौकरी में 6 महीने ट्रेनिंग का है जिसका खर्चा 10 करोड़ रुपए है और ये अवाम का टैक्स का पैसा है जो इस्तेमाल किया जा रहा है युवाओं की ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद 3.5 साल का इसमें उनको जो है जॉब पीरियड है, उसके बाद ये युवा कहाँ जाएंगे? इनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पेंशन नहीं है। उसके बाद आपको यही अग्निवीर जिनको नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि अग्निपथ में जो काम करेगा उसके बाद वो अग्निवीर बनेगा, लेकिन वो अंबानी वीर या अदानी वीर होगा, क्योंकि उसके बाद यही फौजी आपको अदानी और अंबानी के ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी गार्ड की तरह मिलेंगे। ये हिंदुस्तान का भविष्य है, वो हिंदुस्तान का जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। देखिए नरेंद्र मोदी जो है किस दिशा में हिंदुस्तान को लेके जा रहे हैं। पहले ही जो है हर साल 50,000 फौजियों को भर्ती किया जाता था, युवाओं को भर्ती किया जाता था फौज में। जब से कोविड हुआ है 3 साल से कोई भी भर्ती नहीं हुई है, इसका मतलब 1.5 लाख पहले की ही जो है भर्ती होने का है। उसके बाद अब ये नई भर्ती निकाले 10 लाख की। अरे नरेंद्र मोदी, कैसे अंधेरे कुएं में आप युवा को धकेल रहे हैं जिनका कोई आगे फ्यूचर नहीं है, जिनका फ्यूचर ही सेफ नहीं है। आप उनको क्या सुनहरे सपने दिखा रहे हैं, उनको किस अंधेरी खाई में धकेल रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान की युवा जो है पकौड़े तल के बेचे या सिक्योरिटी गार्ड बने? जिस हिंदुस्तान की मिसाल अमेरिका में, रशिया में, इसराइल में दी जाती है, उस भारत देश के युवा जो है सिक्योरिटी गार्ड बनेंगे? आप क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? एक जो फौजी अब भर्ती होगा जिसकी खाली टाइम पीरियड